नहीं मिलेगा। वो बोतल मंगा के रखी आज मैंने। बस्तियों ने सवाल पूछा था, ये अंधेरा मिटेगा कब साहब? मोहतरम का जवाब आया है, आग छप्पर पे फेंक देता हूँ। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। हम आज महरौली में उस जगह पर मौजूद हैं, उन घरों में मौजूद हैं जिनको DDA की कार्रवाई में पिछले 5 दिनों में तोड़ा गया है। अभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टेटस को मेंटेन किया गया है और कोई भी नए घर नहीं तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन घरों का क्या जो कि इन 5 दिनों में तोड़े गए, जिन लोगों को बेघर कर दिया गया। हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, इस जगह पर हम हैं, हम और भी मोहल्लों में गए, जिन लोगों के घर टूटे हैं वो अभी भी यहीं पर रह रहे हैं, उनका सारा सामान तोड़ दिया गया है लेकिन वो यहीं पर हैं, उनका यही कहना है कि वो इस घर को दोबारा बना लेंगे लेकिन इस घर को, इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। देखिए न्यूज़ क्लिक की ये ख़ास रिपोर्ट। मैंने पिछले साल इसकी रजिस्ट्री कराई थी, रजिस्ट्री प्रॉपर हुई, इसमें मैंने अपना बिल भी अपने नाम से करा लिया और आपको तो पता ही है ये घर लेने में कितनी परेशानियां होती हैं, लोग किस तरीके से घर बनाते हैं। और यहाँ पे अच्छे खासे हम रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और बिल्डर ने भी हमें ये बताया भाई एक नंबर की जगह है, रजिस्ट्री है इसकी और कोई भी एक अच्छा खासा आदमी क्या देखेगा कि भाई रजिस्ट्री हो रही है, जिस जगह पर रजिस्ट्री हो रही है तो ऐसी जगह देखेगा भाई रजिस्ट्री हो रही है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, कल गवर्नमेंट भी कोई कुछ नहीं कहेगी। तो हमने भी यही देखा कि भाई यहाँ पर रजिस्ट्री हो रही है तो यहाँ पर लेना सही है, तो रजिस्ट्री भी हो गई, बिल भी अपने नाम से हो गया, पानी भी अपने नाम से आ गया, सब कुछ सही चल रहा था। बस शाम को पुलिस वाले हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई कल ये बिल्डिंग टूटेगी, तुम खाली कर दो। हमने सोचा हम ऐसे कैसे खाली कर देंगे भाई, तो सुबह में हमने यहाँ पे अपने घर के अंदर थे, ताले लगा लिए, ताले आप देख सकते हैं कैमरे ले आके वहाँ पे, तो इन्होंने अपने जो भी मजदूर आए थे उनके साथ बेचारे उनसे तोड़वाया और हर गेट तुलवा तुलवा के हमें निकाला ज़बरदस्ती, निकालने के बाद हमें बाहर खड़ा कर दिया, सारा सामान उन मजदूरों से बाहर निकलवा दिया, आधा सामान निकला आधा उसके अंदर ही टूट गया। क्या हाँ अगर पेपर नहीं होते या हमारे कोई प्रूफ नहीं होते तो चलो ये बनता है कि हम जाली हैं या हम अनऑथराइज हैं, और जब हम अनऑथराइज हैं तो हमारे साथ हमारे पेपर वर्क और हमने जितना भी हॉल टैक्स वॉल टैक्स सब कुछ दिया है, वो क्यों गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिया? कहते भाई आपका तो है ही नहीं, मतलब आज ये 50 साल पुराने तुम घर तोड़ रहे हो, 50 साल से तुम्हें यही नहीं पता है कि हमारी जगह कौन सी है, आज पता चला है कि हमारी जगह है ये। एक घर किराए पे लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है और किराए भी जब लेने जाओगे तो 10-10 दिन घूमना पड़ेगा आपको किराए पे लेने के लिए। अब कोई किसी अपने दोस्त के साथ कितने दिन रह सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। मैं अपने छोटे भाई के घर में जाकर शिफ्ट हुआ हूँ, वो भी किराए पे रह रहा है तो वहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है। अब ये कुछ थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि अब इसी के अंदर आके रहें तिरपाल विरपाल लगा के। क्या करेंगे, जहर खा के मरूंगी, अपनी ज़िंदगी में हमारे कोई चांस नहीं रखा, यह घर मोदी ले या केजरीवाल ले कोई भी ले ले, हमें कोई मतलब कोई वास्ता नहीं है। अगर घर को बनाने के लिए कुछ देते हैं तो बनाऊंगी, नहीं जहर खा के मरूंगी और लिख के जाऊंगी कि ये मोदी की वजह से और योगी की वजह से मरी हूँ। बिल्कुल मैं यहीं रहूँगी क्योंकि मेरी पैदाइश मेरा बचपना सब कुछ यहीं पर गुजर गया, तो ये अनुथराई और ये मेरा हक कहाँ से नहीं गया, पूरी की पूरी जंगल पड़ी दिल्ली के अंदर। अरे गवर्नमेंट को कुछ बनाए तो वहाँ जाके बनाए ना, वहाँ जाके मरे, घरों में क्या बनाएगी, इन 2 घरों को तोड़ के क्या बनाएगी, यहाँ पर पार्क बनाएगी, यहाँ पर अपना महल खड़ा करेगी या अपनी यहाँ पर मूर्तियाँ खड़ी करेंगे? मूर्ति खड़े करने के लिए कहीं और जगह नहीं है क्या गवर्नमेंट को? चौड़ में जाके खड़ी करें ना, ये शौचालय बनाएगी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी ये बताओ? अगर गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट से हम ये सवाल करें कि तुझे करना क्या है यहाँ पर 200 गज की ज़मीन में? उस रजिस्ट्रार ऑफिसर को क्यों नहीं आप पकड़ रहे हो जिसने रजिस्ट्री करी है? उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो जिन्होंने हाउस टैक्स लगाया था, जिन्होंने बिजली का कनेक्शन दिया, जिन्होंने पानी का बिल दे रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ यहाँ का बना हुआ है, उसके बाद में इलीगल है, तो फिर क्यों ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो? अब आप यहाँ पर खड़े हैं, आप क्या करेंगे? मुझे भी TV पे, इनको भी TV पे, सबको दिखा देंगे, लेकिन जो कुछ हुआ नुकसान तो हो ही गया ना, लाइफ तो ख़राब हो ही गई ना। बाकी हम सब तो रजिस्ट्री करके लिए सर, कहते हैं कि पावर टोनी का चीज़ कच्चा होता है, तो हम लोग पावर टोनी वाली चीज़ में विश्वास करके हम लोग ऐसे अपना पैसे कहाँ कहाँ से इकट्ठा किए, गांव का ज़मीन बेच के इकट्ठा किए सर, और उसके बाद जो है बच्चे को पढ़ाने के लिए कि चलो हम लोग
अपना छोटा ही घर हो जाएगा, मगर एक अपना घर हो जाएगा तो कम से कम बच्चे पढ़ तो लेंगे। अब सर अभी तो बहुत परेशानी है। एक कटिंग मास्टर और एक चेकर ने अपना घर कैसे बनाया होगा, अपने बच्चों का कैसे पाला होगा, कैसे उस बच्ची की शादी ब्याह किया होगा, है सोची। अब आज कोर्ट में है, मैटर है, अब देखते हैं क्या होता आगे का। कोर्ट से तो पूरी उम्मीद है कि जो भी कोर्ट करेगा वो अच्छा ही फैसला लेगा। रजिस्ट्री क्यों होती है जब पैसा नहीं जाता है, जब एनएफआई जगह है।